नमस्कार फ्रेंड, भूपी टेक में आप लोग का फिर से स्वागत है। और एक नया वीडियो है जो कि आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो अभी जो है वो हमारे पास एक डेस्कटॉप है, तो मैं वो ट्रबल शूट आपको इस डेस्कटॉप में ही दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम किस कारण से आई है और कैसे हम इसे सॉल्व पूरा का पूरा ट्रबल शूट करके दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे कि कैसे ठीक करना होता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह का ठीक वीडियो आपको मिलता रहे। प्रॉब्लम की ओर, क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक करना है। तो कंप्यूटर है हमारा और इसमें आपका नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। नो डिस्प्ले होता मतलब अक्सर अक्सर घरों में कंप्यूटर है, अक्सर ऑफिस में कंप्यूटर सभी यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है डेस्कटॉप में कि आप खुद से भी ठीक कर सकते हैं। और कैसे ठीक करेंगे, देखिए हम यहाँ पर पावर स्विच होता है, किसी का यहाँ पर होता है, किसी का ऊपर होता है। कहीं भी आप पावर स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट जल जाता है। ऑन जैसे करेंगे आपका यहाँ पे लाइट जल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लू लाइट फैन हमारा चलने लगा है। आप देख सकते हैं कोई भी डिस्प्ले हमारा नहीं आया, मतलब हमारा मशीन, देखिए मशीन आपको लग रहा होगा कि मशीन एकदम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपका मॉनिटर ख़राब हो गया, क्योंकि मशीन आपका जैसा चल रहा था एज़ यूजल सेम तरीका से ही चल रहा है। मॉनिटर में एक ब्लिंक कर रहा लाइट, लेकिन उसमें आपका जो डिस्प्ले आना चाहिए वो डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको ठीक करके दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। माइनर सी प्रॉब्लम होती है जो आप खुद से घर में ठीक कर सकते हैं। डेस्कटॉप को हम सबसे पहले तो ऐसे करके इसका ऐसे करके सुला लेंगे, क्योंकि हमें एक कवर खोलना है। तो कवर आपका स्क्रू दिया हुआ रहता है, तो स्क्रू को खोल के अभी ढक्कन को ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पे अंदर में रैम होता है, तो रैम को हम खोल के या तो साफ़ करके लगाएंगे या फिर आपके पास नया रैम है तो उसे आपको लगाना होगा। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में ये आपका रैम जो लगा हुआ है वो इस पोजीशन में लगा हुआ रहता है। फ़ैन देखिए चल रहा हमारा, डिस्प्ले तो अभी आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर रैम लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले प्लग को हम खोल देंगे, यहाँ पर हमारा जो पावर केबल है खोल देंगे। खोल देने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे फैन जो है वो बंद हो गया। आप क्या करेंगे, रैम को या तो आपके पास दूसरा रैम है या फिर रैम का ये पोजीशन को ये इस जो पार्ट है ये पीला वाला जो पार्ट है इसे आप एक बार रबड़ से आप सही से सफ़ा कर लेंगे और लगाएंगे तो आपका हो सकता है, या फिर नया रैम अगर है तो उसे आप लगाएंगे तो आपका हो सकता है। तो मेरे पास दूसरा रैम है, हम एक बार केवल चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा डिस्प्ले नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। अक्सर ये आपका रैम का ही इशू होता है। तो हम देखिए यहाँ पे दूसरा रैम लगाते हैं, दूसरा रैम यहाँ पे लगा दिए। अब हम क्या करेंगे आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा मॉनिटर यहाँ पे है और हम प्लग को भी लगा दिए हैं, पावर केबल को भी, और हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं अपना। स्विच ऑन किए, ब्लू लाइट हमारा जल गया, फ़ैन भी देखिए चलने लगा। अब हम देखते हैं हमारा डिस्प्ले, देखिए हमारा आ चुका है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिबूट एंड प्रॉपर बूट डिवाइस। तो अभी हार्ड डिस्क लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा रैम जो है वो हमारा डिस्टर्ब था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो रैम चेंज करने से हमारा डिस्प्ले यहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड देखा आपने कैसे रैम का इशू था, नो डिस्प्ले, वो हमने आपको लाइव दिखाया। प्रॉब्लम है, घर बैठे भी आप कर सकते हैं, खर्च नहीं पड़ेगा आपका। तो आपको कैसा लगा वीडियो फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।